हेलो मित्रों, कैसे हो? आज हम बात करेंगे गूगल माई बिजनेस की वेबसाइट, जो फ्री में वेबसाइट बनती है उसके लिए। आगे हमने बात किया था गूगल माई बिजनेस में मैप पे आपको लोकेशन कैसे करना है। मैंने अगले वीडियो में बनाया हुआ है, वहाँ पे आप चेक करके आपका बिजनेस जो है वो तो गूगल मैप पे, मतलब सर्च करेंगे गूगल मैप पे, GPS पे, तो आपका बिजनेस आएगा। उसके साथ ही आप अपनी बिजनेस की वेबसाइट जो गूगल फ्री में दे रहा है वो आप बना सकते हो। तो कैसे बनाना है उसके लिए पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखे, पूरा ऑप्शन, पूरा स्ट्रेटेजी, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारी दिनों की बात की चैनल में। मित्रों, जब आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है गूगल माई बिजनेस पे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो करेगा गूगल माई बिजनेस का, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ना, ऐसे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये अभी स्टार्टिंग लेवल पे है, मतलब अभी एडिट नहीं किया हुआ है। जो मैंने गूगल मैप पे जो डिटेल दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिटेल दे रहा है। मेरे को एडिट करना है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे गेट स्टार्ट आएगा, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है कि भाई पिक योर थीम, टेल योर स्टोरी, फोटो। यहाँ पे मैं थीम सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग थीम, मेरे को जो पसंद आ रही है वो थीम यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये थीम मेरे को, ये थीम अच्छी लगी मेरे को, अगर मैं ये थीम सिलेक्ट करता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एडिट फोटो, यहाँ पे एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है बटन। आपको बटन कौन सा रखना है, फोन नाउ का रखना है, गेट डायरेक्ट, व्हाट्सएप मैसेज, SMS, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे समरी हेडर, मतलब आपका जो बिजनेस है उसके क्या है, बिजनेस कैसा है, कौन सी चीज़ का है, वो थोड़ा समरी में डाल सकते हो। यहाँ पे मैं गुजरात में है ये, तो गुजरात में डाल रहा हूँ। अगर आपका जो भी बिजनेस है उसके लिए अकॉर्डिंग डाल सकते हो लैंग्वेज में। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेम्पो फॉर ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ी समरी, मतलब कैसे काम करना है, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में। जैसे मैं गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड प्रोडक्ट, वैसे आप डाल सकते हो। मित्रों, ये चैनल अच्छा लगे, आपके काम का लगे तो सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। उसके बाद यहाँ पे फोटोज है, एडिट पे हो गया, अभी फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ। फोटो में बात करें तो लोगों की है, तो यहाँ पे मैं ये फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। हो गया। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई, ये जो क्रिएट फर्स्ट पोस्ट है उसके पहले देखेंगे तो अपडेट आएगा, हेडर फोटो आएगा। यहाँ पे पोस्ट में एक डाल रहा हूँ कि भाई मेरा जो फोटोज है टेम्पोज का, वो फोटो डाल रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। ये फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा डिटेल डाल देता हूँ भाई क्या है, तो ऑल टाइप टेम्पो सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद यहाँ बटन डाल देता हूँ, बुक है, बाय लर्न मोर, साइन अप। मैं यहाँ पे लर्न मोर डाल देता हूँ, लर्न मोर अभी का बटन नहीं रखना है, रखना है तो आप रख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये मेरा पहला पोस्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फोटो आ गया। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे देखेंगे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में जो है आप अपना टाइमिंग है, एड्रेस है, कोई एक्स्ट्रा का नंबर है यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे मेरा जो टाइमिंग है मंडे है से ट्यूसडे, अभी मैं 24 आवर्स है, मतलब कभी भी फोन कर सकता है, तो मैं यहाँ पे टाइम डाल सकता हूँ। ये जो टाइम है वो आपकी वेबसाइट जो बनेगी उसमें टाइम शो करेगा। देखो, है यहाँ पे कोई स्पेशल और से, अगर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो है, वेबसाइट चेंज करके मेरा नाम डाल रहा हूँ,
आपका जो ये जो पहले जो आएगा वो डिफॉल्ट आएगा, उसके बाद आपका नाम जो रखना है वो रख सकते हो। अगर अवेलेबिलिटी है तो आएगा, ये अवेलेबल नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। तो बाद में भी चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल भर दिया है, यहाँ पे फोटो ऐड कर रहा हूँ। फोटो की बात करें तो वीडियोज है, इंटीरियर डिजाइन, एक्सपोरियर सॉरी एक्सटर्नल, एटवर्क, टीम, कोई भी फोटो डाल सकते हो, मतलब पूरा डिटेल के साथ आ सकता है। तो यहाँ पे मैं लोगों के लिए फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा लोगो हो गया, ये सेट हो गया। उसके बाद देखो ये लोगो हो गया मेरा, ये वीडियो भी डाल सकते हो, इंटीरियर डिजाइन मतलब ऑफिस के अंदर का जो लुक है वो भी डाल सकते हो, एक्सटर्नल मतलब बाहर से कैसे ऑफिस दिखता है। अगर कोई भी कस्टमर बाहर से दिख रहा है, अगर मेरी मान लीजिए ऑफिस है तो बाहर से कैसे दिख रहा है लुक आउट, तो कोई भी कस्टमर गूगल मैप पे या सर्च करके आएगा तो मालूम पड़ेगा, हाँ सामने दिख रही वो उसकी ऑफिस है। तो एक्सटर्नल फोटो भी डाल सकते हो। यहाँ पे आपको बेसिक दिख रहा हूँ मैं अभी, बाद में तो बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पे कस्टमर रिव्यू भी आ सकता है, वो वेरी ये यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करना है तो, अगर मैं प्रोडक्ट अभी एक ऐड कर रहा हूँ तो बाद में भी कर सकते हो, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, तो मैं बाद में कर सकता हूँ। या प्रोडक्ट नाम, कैटेगरी, कितनी प्राइस है, अगर कोई टेक्सटाइल का बिजनेस है आपका, या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या कोई हार्डवेयर की शॉप है, तो वो आराम से डाल सकते हो। उसके बाद अभी देखो पूरा सेटअप हो गया है, यहाँ पे डाउन मोड में यहाँ पे आ गया अपडेट साइड में। तो मैं कि यहाँ से क्या करूँगा, अपडेट करूँगा, मतलब ये जो डॉट वाला है वो हटाना है मैंने, तो हटा दूंगा। लेकिन वेरीफाई कब होगा, जब आपका कोड आएगा गूगल से, तब। देखो ये मेरा लूना ही बीच में जो है वो या बोल नहीं सकते हम लोग, तो ये पूरा लाइन इजी नाम रख सकता हूँ, लूना रोडवेज डॉट बिजनेस डॉट साइट, ये मेरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखे तो होम पे जा रहे हो, होम पे देखे ना, यहाँ पे पेंडिंग वेरिफिकेशन बता रहे हैं, मतलब जब आपका वेरिफिकेशन ओके हो गया उसके बाद ये लाइव हो जाएगा। ये पूरा वेबसाइट रेडी हो गया, देखो ये रोडवेज आ गया। अभी वेबसाइट ओपन करेंगे ना तो ऐसे लुकआउट दिखेगा। यहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा, जो आप कस्टमर का रिव्यू नहीं ले सकते, क्योंकि तो वेरीफाई के बाद होगा। अगर आप बात करूँ तो वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाता हूँ, अभी तो मेरा वेबसाइट वेरीफाई हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक आ गया टेस्टिमोनियल भी आ गया, यहाँ पे मैं वेबसाइट देखता हूँ कैसी दिख रही है अभी। अभी ये गूगल पे लाइव हो गया है, मैंने कोड वेरीफाई करवा लिया है, देखो आ गया। यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो सीधा व्हाट्सएप आएगा, कॉल भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए मैंने पे कॉल किया, कॉल पे सीधा कॉल लग जाएगा। यहाँ पे फोटो है, यहाँ टेस्टिमोनियल मतलब किस कौन कौन से लोगों ने आपको रिव्यू दिया है, वो रिव्यू से हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिव्यू भी लिख सकते हो। यहाँ पे उसने जो फोटो रखा है वो गूगल मैप पे, कॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो सीधा कॉल ही लगेगा आपको। अगर मित्र कितने लोगों ने कॉल किया वो भी देख सकते हो आप, यहाँ पे जाएंगे इनसाइड में, तो इनसाइड में आपको पूरा डिटेल में आएगा। अभी ये तो नया नया है तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि एक 15-20 दिन के बाद यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि एक मंथ तक अब दिखा सकते हैं, एक मंथ के बाद ही दिखा सकते हैं ना यहाँ पे वीक का। यहाँ पे देखो अभी मैंने 4 दिन पहले ही प्रोसेस किया है, मतलब देखो ना ये कौन सी तारीख है, 22 मई, मतलब 3 दिन पहले ही मैंने वेरीफाई किया हुआ है। तो अभी तक देखो तो 2 लोगों ने सर्च किया है, मैप से 11 लोग आ गए हैं, तो मतलब देखो 2 दिन में इतना रिजल्ट है मेरे को, तो समझो कि 1 मंथ के बाद कितना रिजल्ट मिलेगा मेरे को। यहाँ पर कितने लोगों ने वेबसाइट विजिट किया, कितने लोगों ने रीडायरेक्ट किया, कितने लोगों ने आपको कॉल किया, कितने लोगों ने मैसेज किया आपको, यहाँ पे जो मैसेज का ऑप्शन है तो मैसेज पे काउंट होगा, तो ये मैसेज कितने वो भी यहाँ पे काउंट होगा। तो आपको पूरा ट्रैक कर सकते हो कि एक ही दिन में या मंथ में वीक में कितने लोगों ने कौन से माध्यम से मतलब वेबसाइट से किया, कॉल पे किया, मैसेज किया, वो ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आप दूसरी जगह डायरेक्शन मतलब कोई गूगल मैप से बिजनेस सर्च करके आता है उसका भी डिटेल आता है, कितने लोगों ने फोन कौन से टाइम पे किया वो भी आएगा यहाँ पे, कौन सा पॉपुलर टाइम मतलब आपका जो बिजनेस का जो टाइम पीक टाइम है, जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे, भाई मैं कहीं गूगल में सर्च करता हूँ भाई नियर
एक रेस्टोरेंट का लिख लेता हूँ मैं भी, रेस्टोरेंट नियर मी। तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो कोई भी एक रेस्टोरेंट उठाते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे ओढ़नी रेस्टोरेंट करके वो उठाता हूँ। ये जो रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पे पीक टाइम आएगा, मतलब कौन से टाइम पे ज्यादा कस्टमर आता है, यहाँ पे देखेंगे ना। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना पीक टाइम देखे तो 6, 7, 8, 9, मतलब 6 के 8 बजे के बीच में बहुत ज्यादा कस्टमर आते हैं, और संडे के दिन देखे तो उसी टाइम पे ही ज्यादा आता है। तो वैसे जो ट्रैक है वो आप यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे, फोटो से कितने लोग आए वो दिखेंगे आपको, क्वालिटी कैसी है वो, मतलब पूरा रिव्यू आ जाएगा। जो आप फिजिकल मार्केटिंग करते हैं उसमें नहीं पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे पूरा ट्रैक पॉसिबल है। तो आप इसी हिसाब से आप फेसबुक या एडवर्टाइज रन कर सकते हो उसी टाइम पे, तो आपका रिव्यू ज़्यादा आ सकता है। ये पूरा है, यहाँ पे रिव्यू भी शेयर कर सकते हो, किसी को रिव्यू देना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक लिंक आ जाएगा, ये किधर में भी शेयर करके आप रिव्यू मंगवा सकते हो वेबसाइट का। और जो वेबसाइट का रिव्यू आएंगे तो जैसे यहाँ पे 164 लोगों ने या 15 लोगों ने रिव्यू दिया है, वैसे आप रिव्यू देते हो, जितना रिव्यू ज़्यादा आएगा और लोकेशन नियरेस्ट आएगा वो पहले दिखाई देगा। उसके बाद देखेंगे तो पोस्ट यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट आपका रेडी हो गया है। यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल 85% कम्प्लीट है, मतलब एक लोगो पेंडिंग है, जब लोगो में अपडेट करूँगा तो 100% हो जाएगा। यहाँ पे गूगल सर्च, मतलब गूगल में मैं सर्च करता हूँ तो कैसे दिखेगा, यहाँ पे व्यू ऑन मैप, सॉरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगेन सॉरी, यहाँ पे गूगल मैप पे कैसे दिखेगा मेरा बिजनेस, तो यहाँ पे एक रिव्यू है, ये गूगल सर्च में कैसे दिखता है, अगर गूगल सर्च में सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे दिखेगा आपको। यहाँ पे देखो वेबसाइट भी आ गया है, लूना रोडवेज करके, पूरी पहली वेबसाइट आ गया, समझ में आया। तो गूगल का जो इतना अल्गोरिदम है, मतलब एसईओ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहाँ पे आप अपने वेबसाइट बना लिया तो आराम से समझो मार्केटिंग फ्री में कर लिया आपने। यहाँ पे एक रिव्यू आया देखो, आ गया ट्रांसपोर्टेशन एड्रेस आ गया, क्योंकि तो अभी अपडेट में है तो थोड़ा डिटेल में 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद कंप्लीट डिटेल दिखा देगा आपको, ठीक है। अगर गूगल मैप पे दिखेगा तो गूगल मैप जो है उसमें कैसे दिखता है वो देखते हैं, गूगल मैप ऐसे दिखेगा, देखो ये आ गया। यहाँ पे आप वेबसाइट भी आ गया, कितने बजे तक ओपनिंग है, एड्रेस, फोटो भी आ गया देखो, उसका समरी भी आ गया, कितने लोगों ने रिव्यू दिया है, तो आप उसका पूरा ट्रैक कर सकते हो। तो आपको वेबसाइट बना सकते हो। अगर मित्र आपको बनाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कंसल्टिंग कर सकते हो, हम गूगल मैप पे और गूगल बिजनेस वेबसाइट बना देते हैं, उसके लिए हम कंसल्टिंग चार्ज कर सकते हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या कमेंट में हमको बात कर सकते हैं, वहां से हम हमारा करेंगे। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, और आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, उसमें आपका बिजनेस जो है वो कैसे ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक लाएंगे, आपका बिजनेस ग्रो होगा। थैंक यू मित्रों।